ऑल राइट गाइज़ स्वागत है आपका हमारे नए नाइट टॉक के एपिसोड में और आज जो हमारे साथ हैं मौजूद मेरा माइक गिर गया आज हमारे साथ हैं नंदनी एंड आलिया वन टाइम और आज हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे पे कि कहा जाता है कि जो लड़के होते हैं वो अपने जो इमोशंस हैं शो नहीं करते गर्लफ्रेंड के सामने ख़ास तौर से या किसी के भी सामने अपना प्यार नहीं जताते और गर्लफ्रेंड जो होती हैं वो थोड़ी सी लवी डवी ज़्यादा होती हैं दो लड़का भी सच्चा प्यार करता है अपनी गर्लफ्रेंड से लेकिन वो इमोशन वाली इमोशनल साइड ना दिखाता नहीं है तो ये कितना कितना सच है कितना है झूठ विल बिगिन विद पीयूष जो कि अभी फोन में लगे हुए हैं पीयूष अपने इमोशंस मत दिखाए यहाँ डालू ये तो है <laughs> <laughs> तो आपसे शुरू करते। ये काम कर रहे हैं अभी तो, तो आपसे ही शुरू आप से करते हैं आज दिल्ली जी क्या लगता है भाई मुझे लगता है कि बॉयज़ ना पब्लिकली अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी वो वाली साइड नहीं दिखाते पब्लिकली समझ रहा है मतलब जैसे मान ले तू बैठा होगा मेरी बंदी होगी तो मैं थोड़ा सख्त बना रहूँगा मैं वो सब नहीं करूँगा मतलब ठीक है ये सब तो अपनी आदत में आ जाता है थोड़ा ये सब करना फिजिकल टच हाँ ये मैं कर देता हूँ अपनी मतलब अक्सर कर देता हूँ मैं जो मेरी गर्लफ्रेंड होगी उसको मैं कर दूँगा ऐसा बट वो प्यार वो प्यारबी वाली चीज नहीं करूंगा मैं। वो बोलूं नहीं, शब्द नहीं निकालूंगा वैसे, लेकिन ऐसा क्यों होता क्यों नहीं करते वैसा भाई इसलिए नहीं करते क्योंकि लौंडे एक दूसरे की बेइज्जती बहुत करते है कि साले तू तो जोरू का गुलाम है वो दिखाना नहीं चाहते देख मुझे ऐसा लगता है कि ऑफकोर्स प्यार वाली चीज तो होती है लेकिन लड़के जब प्या ज्यादा प्यार दिखा देते हैं तो उसके दोस्त ऐसा समझते हैं ये तो भाई पूरा ही गुलाम उसी है। के पीछे है वो ही है, वो उस, वो इसकी है ये डर मतलब वो प्यार को समझ लेते हैं डर अगर वो ओबीडियंट है मान ले अगर कोई लड़का लड़की से बात कर रहा है अपने दोस्तों के सामने या कुछ बता रहा है कि मैं यहाँ हूँ इनके साथ हूँ लड़का नॉर्मली भी बता देगा मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ तो दोस्त जो है वो अपने दोस्त की ऐसी तैसी कर देते हैं कि साले हगा पादा भी बता दे सब कुछ अपना अब <laughs> तो इसलिए ना वो सख्त रहते हैं कि मैं हाँ। अपनी गर्लफ्रेंड को कंट्रोल करता हूँ आई एम द मैन इन दिस रिलेशनशिप और मैं उसे चलाता हूँ वो मुझे नहीं चलाती मतलब वो हालांकि वो भूल जाते हैं बट यहाँ पे ना अब क्वेश्चन होता है मैं गर्ल से पूछना चाहता हूँ करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग कि इसी वजह से तुम्हें लगता है कि ये बंदा मुझसे प्यार नहीं करता यार जताता नहीं है यार पब्लिकली यार अपने दोस्तों के सामने मुझे वो नहीं करता यार ऐसा है क्या ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है काफी लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि यार तो ये देखो काफी नहीं नहीं मैं नहीं हम तो उनमें नहीं मैं तो नहीं आती इनका पता नहीं मुझे लेकिन हाँ लड़कियां ये एक्सपेक्ट तब करती हैं जब वो खुद मतलब लड़कियाँ ना इस चीज़ के अगर मैं अपनी चार दोस्तों के साथ बैठी हूँ तो मैं इस चीज़ के लिए एक्साइटेड रहती हूँ यार देख मेरे बॉयफ्रेंड का कॉल आ रहा है देखो मुझसे बात कर रहा है अब बॉयफ्रेंड्स का ये होता है अगर हम उन्हें कॉल भी कर देना तो उनके अंदर इतनी हिम्मत होती है कि वो काट दे कॉल वो काट देते हैं कॉल उनको अपने सर्कल में लड़की से बात करना पसंद नहीं है दो दे आर लॉयल पर वो बात करना पसंद नहीं करते क्योंकि वो जोरू का गुलाम नहीं अपने, अपने होना अपना अपना हाँ वो उस कैटेगरी में नहीं आना चाहते थोड़ा लड़के थोड़ा लड़के ना लड़कों लड़कों के आगे दिखाते हैं कि जैसे मैसेज आया तो तुरंत रिप्लाई नहीं करते खोल के तो ये ज्यादा होता है ताकि लौंडे ये ना बोल दे भाई तूने तो तुरंत ही मैसेज कर दिया इसी से बात करता फोन रहता में है क्या भाई जब फोन से में हुआ जब लगा है। रहता है जब ये फोन करती है तब उठा लेता भाई थोड़ी अपनी दोष भी दिखा थोड़े लौंडे ये भी करते हैं ये तो हो गया चल एक बॉसी नेचर दिखाना है इसका मतलब ये ना कि बंदा इमोशनल नहीं है इसका मतलब ये नहीं होता ये थोड़ा सा ये बॉसी भी नहीं है ये ये कि मैं

और कहीं ना कहीं मुझे मौका मिले ना कि उसका मैसेज आया मैं रिप्लाई कर दूँ तो मैं ऐसे करके कर दूंगी उसका रिप्लाई मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं काम के लिए आई हुई मैं बाहर बैठी हूँ पॉड पे बट उसका ये सीन है कि अगर उसका कहीं कहीं शूट है कोई पैकअप भी हो गया ना उसका वो निकल भी रहा है, है कि जब वो एक्चुअल में फ्री हो जाते हैं ना तब वो रिवर्ट करते हैं हम काम के साथ भी कर लेते हैं मेरा ये मानना है बट एक बात बताओ तुम मतलब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि लड़कियों के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि बंदा तुम्हारी जो भी गर्लफ्रेंड है या फिर उसकी रेकेगनेशन अपने दोस्तों के आगे दिखाए कि हाँ भाई शीज वो कितना इम्पोर्टेंट है ये यार देखो इम्पोर्टेंट तो बहुत ज्यादा है ये चीज़ अच्छा हर लड़की के लिए नहीं पर कुछ कुछ के लिए है होना चाहिए बताना चाहिए छुपाने से क्या मिलेगा नहीं बताते तो हैं वो ये कह रहा है बस दिखाते नहीं है दिखाते नहीं है तो वही कह रहा हूँ कि तुम्हें क्या लगता है कि जरूरी है दिखाना या नहीं है जरूरी नहीं यार जरूरी नहीं है अगर ये चीज जरूरी होती तो फिर तो आगे आगे बढ़ते ही नहीं ना हम उस चीज को कितना सहन कर लेते हम अगर अभी तक सहन कर रहे हैं इसका मतलब इतनी जरूरी नहीं है ये चीज तुम्हारा क्या मेरे साथ तो जो मेरा एक्सपीरियंस था पहले कि मेरा जो बंदा था वो वैसे सब कुछ करता था बट अगर पब्लिकली या कुछ चीज़ आती थी ना तो वो उस चीज़ से भागता था हर चीज़ से लाइक like, सपोज कुछ मेरा बैग दो मिनट के लिए भी अगर पकड़ना है मैं कुछ कर रही हूँ वो नहीं करता था तो ये वो थोड़ा सा थोड़ी सी में ट्रिगरिंग होती है पता है पब्लिकली तुम बैग पकड़ के खड़े हो

कि अच्छा तो तू साले तू बैग पर वो लेके नहीं जा सकती थी तू ही पकड़ के दोस्ती कोई तुम्हारे आगे अपनी बंदी का बैग लेके खड़ा हुआ तो तुम नहीं चढ़ाओगे उसको भाई लेकिन दोस्त भी तेस कर देंगे क्या मतलब है चढ़ाने का मैं लेकिन कोई दोस्त की तो अलग बात है कोई रैंडम जैसे सपोज कोई खड़ा है वॉशरूम के बाहर अपनी बंदी का पर्स लेके बंदी वॉशरूम में है कोई रैंडम बंदे भी आ रहे तो बंदा घेर लेता है शक्ल घुमा लेता है की तो लड़की का बैग पकड़े खड़ा या अभी हम ये बात कर रहे हैं कुछ लोग हमें जज करेंगे ये मैं सोचना हम पकड़ते नहीं है पकड़ेंगे नहीं हम पकड़ लेंगे लेकिन वो शर्म आएगी नीचे मुंह करेंगे हम मतलब देख जो लड़कों का मिजाज सिर्फ और सिर्फ गर्लफ्रेंड के साथ होता है फ़ोन पे भी या मिल के भी वो दोस्तों के सामने बिल्कुल बदल जाता है हाँ। तो इसलिए लड़के अवॉइड करते हैं कि पब्लिकली बात करना और इसलिए वो कम दिखाते हैं और इसलिए वो फ़ोन भी काटते हैं क्योंकि एक होता है अकेले में जब बात कर रहा है बंदा तो फ्री होल्ड है भाई मैं तो नहीं पकड़ूंगा बैग मैं तो बोलूंगा कि इसे अंदर ले जा अंदर भी तो जगह होगी पे रख दियो जे ले जाके ही <laughs> क्यों पकड़ा रही है <laughs> तो हाँ, किसी भी सिचुएशन कोई भी सिचुएशन आई पकड़ेगा ना मैं कह रहा हूँ जब पकड़ेंगे फिर भी ये रहेगा हाँ ये तो रहेगा भाई हाँ हम भी तो बोलेंगे लेके जाए सर अपने क्या तो ये शादी के बाद भी ये चीज होती होगी क्या अबे जब शादी के बाद पति पकड़ के खड़े रहते हैं बाहर तो उनको देख के तो यार, बेचारा यार <laughs> बेचारा बना देते हैं <laughs> यार यार शादी के के बाद लेकिन बल्कि ये ज़्यादा होता है कि हाँ खुद ही पकड़ ले अबे हाँ। शादी हाँ। के बाद भाई बीवी की चलती है कोई इतना दबंग नहीं होता पति शादी ये पब्लिक में ही दिखाने वाली होती है बातें ऐसे ही नहीं बनती अगर शादी के बाद रहा ना तेरी चले तो बेटा रात को भी उसकी चलेगी फिर नहीं चलेगी कुछ उस तेरी चलेगी एक भी को क्यों चलेगी बंदे पता लग जाएगी ऐसा नहीं है अबे ऐसा कुछ ऐसा नहीं है जिस चीज के लिए आप शादी कर रहे हो वो शॉपिंग का थैला में क्या कह रहा मैं शॉपिंग का थैला मैं पकड़ लूंगा पिंक बैग ही नहीं पकड़ूंगा पिंक बैग जरूरी थोड़ी ना पिंक बैग ही होगा नॉर्मल बैग भी होगा हां कह तो रहा हूं काला भी नहीं पकड़ूंगा ना सफेद तो वो भी कुछ पिंक नहीं पकड़ने देगी भाई फिर <laughs> 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 आई आई आ <आई> <laughs> बहुत तगड़ा पॉइंटर वाला <laughs> और एक और रील वायरल होती नंदिनी की सीधा बाउंड्री के बाहर <laughs>

पिंक <laughs> कलर क्या होता क्या पिंक कलर ये बता पहले मुझे तो इंडिया में नहीं होता लिपस्टिक क्या लड़कियों की पिंक कलर की हम्म और इससे ज्यादा क्या बोल रहे हो मैं सही बात है लेट्स लेट्स नॉट नॉट गो देयर लिपस्टिक <laughs> लिपस्टिक की बात नहीं करते वापस टॉपिक पे आ जाते हैं कि इमोशन नहीं दिखाते लौंडे जी आप बताओ क्या सीन है इमोशन दिखाते हो आप नहीं दिखाते भाई लौंडे नहीं दिखाते यार और मेरे ख्याल से ज्यादा दिखाने भी नहीं चाहिए सही बात है। ये अच्छी बात है ठीक है लड़की दिखा रही है और थोड़ा ये ना थोड़ा मैनली वे में भी आ जाता है कि लड़की दिखा रही है और लड़का संभाल रहा है उसको तो ये होना ही ये चाहिए मतलब कि लौंडा तो, कम दिखाता है ना मैं तो अपने बंदे को भी संभाल सकती हूँ है। मेरे है। हिसाब से लड़का नहीं दिखा रहा तो लड़की को भी नहीं दिखानी चाहिए सिमिलर ही होना चाहिए बेसिकली मुझे लगता है लड़के जो होते हैं वो इन प्राइवेट तो दिखाते दिखाते। ही अपनी इमोशन, दिल की बात गर्लफ्रेंड से शेयर करते हैं पब्लिकली नहीं, नहीं है। लड़कियों को इन चीज़ हाँ। का तो तो दुख होता है यार कि हम 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 भी भी तो जब जब साथ में अकेले तब तो दिखा रहे हैं पर बाहर भी तो हम दिखा रहे हैं जबकि गर्ल्स बता देती दे हाँ। है थोड़ा पर्सनल सीन हो गया नहीं वैसे यार सही कह रही है कह लड़के अपने रिलेशनशिप छुपा लेते हैं पर दोस्तों के सामने नहीं दोस्तों के सामने तो बताते हैं कि मेरी बंदी है लड़कियों के सामने छुपा लेते हैं फीमेल इजीली बताती है हर जगह की हाँ क्या होता है जो लड़के होते हैं जो लड़कियां होती है वो ना अपना बॉयफ्रेंड को इसलिए ज्यादा दिखाती है क्योंकि उन्हें लगता है की बॉयफ्रेंड हो ना या मेरा बॉयफ्रेंड मेरे लिए केयर करता है वो उन्हें सुपीरियर दिखाता है ग्रुप में इसलिए लड़कियों को होता है मेरी दोस्त मुझसे जेलस हो कि देख मेरा बॉयफ्रेंड कितना अच्छा है कॉल उठा रहा है लड़कियों को करनी है ये शोबाजी ठीक है इसलिए वो पब्लिकली अफेक्शन दिखाती भी है और लड़कों का ये होता है कि उनको होती है एम्बेसमेंट कि यार इतना भी क्या हो गया यार मेरी खुद की कोई लाइफ नहीं है क्या लड़कों में ये होता है कि यार तेरी बंदी कितने फोन करती है यार बताओ पर... लड़के स्टार्टिंग में तो बड़े करते

दिखाए एक्सप्रेस ज्यादा करे पर जैसे मॉल्स होते हैं पब्लिक प्लेस होती है हाँ। क्या लड़कियाँ चाहती है कि लड़का उनका हाथ पकड़ के चले पब्लिकली या शोल्डर पे या वेस्ट पे हाथ रख के चले या लड़कियाँ कॉन्शियस होती है कि नहीं यार कि हाँ। कोई और जज करेगी आंटी फलाना कोई जज कर लेगा तो यार अगर दूर मैं दूर दूर। अच्छे अच्छे बॉन्ड में हूँ तो मेरे को तो कैसा भी चलेगा फ्रेंड की तरह चल नॉर्मल चल कैसा भी वो चलेगा मेरे को किसी को शो ऑफ करने के लिए नहीं दिखाई ये तो फीलिंग्स है ना कि हाथ पकड़ के चल रहे हैं मस्ती कर रहे हैं वो वाला मेरे को ऐसा किसी को शो ऑफ नहीं करना

है यार थोड़ा कि मतलब ज्यादा मैं ऑब्वियस नहीं करवा कर, कर। मतलब ऐसा हो जाता ना कि भाई पब्लिकली तो एक किलोमीटर क्या रखेगा मतलब एक, किलोमीटर नहीं शादी के बाद का बता अगर वो वाइफ ही है अब तो यही है अब तो पब्लिकली ऑब्वियस करो ना करो यही है और यही रहेगी तो क्या रहेगा रुतबा भाई तब तो नॉर्मल घूमो मतलब हाथ-वाथ पकड़ोगे हाथ वाथ पकड़ो हाथ वाथ भी मत पकड़ो ये ये नहीं कहूंगा कि हाथ पकड़ ले ऐसा कुछ नॉर्मल घूमो विदाउट टेंशन कोई टेंशन है कोई देख मन कर रहा है तो पकड़ लिया नहीं, कर रहा आ, नहीं पकड़ा। मन करा लिया। तो नहीं पक, पकड़ करा तो पकड़ लिया तब भी आगे आगे चलोगे ये क्या है आगे आगे क्या है आगे आगे चलोगे इससे कुछ

तो भैया ये ना हो कि भाई अच्छा यू तो यागा हाथ पकड़े डोल लाया मॉल में मैं शादी बारे के बाद की भी बात कर शादी रहा हूं। के बाद तो मैं कह रहा हूँ नॉर्मल रहूंगा शादी के बाद तो भाई शादी के बाद आगे नहीं भागेगा नहीं वैसे आगे भागूंगा आप बताओ मैं बताओ, हाँ, बताओ, आप, यार मेरे को, मेरे को को ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है अगर मेरा मन कर रहा है हाथ पकड़ के चलने का तो मैं ओके okay, उसमें हाँ। भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उस टाइम का मूड पे डिपेंड कर रहा है, मूड पे डिपेंड है। डिपेंड अगर मूड रोमांचिक हो रहा है तो फिर हाथ भी पकड़ लो या शोल्डर पे हाथ मैक्सिमम उससे ज्यादा नहीं इतना पब्लिक इतना तो बेटर ही है इतना इनफ है हागो दिल्ली हागो बोला तो भाई मैं ऐसे पर्पसली हाथ नहीं पकड़ूंगा मेरा मन करेगा तो पकड़ लूंगा मेरा मन करेगा कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कंधे पे हाथ रख लूंगा हक कर सकता हूँ पब्लिकली कोई दिक्कत थोड़ी मन करेगा तो कर लूंगा बट इसमें ये ये चीज भी है कि जैसे लड़की चाहती है इसलिए नहीं आएगा माइंड में कि कर लूँ तो इसको अच्छा लगेगा टाइप्स वो होगा कि मन मेरा मन कर रहा है तो पकड़ हाँ। हाँ। लिया तो नहीं कर रहा तो यार मैंने बहुत लड़कियां देखी है वो जैसा बोलेंगी लड़का वैसा करता है हाथ पकड़ के चलो मुझे हक करो ना आपको क्या शर्म आ रही है मुझे अगर एक पप्पी दे दोगे यहाँ पे तो ऐसा भी देखा तू लड़के नहीं करते हाँ हाँ मेरी मेरी बहुत दोस्त है ऐसी यार जो बिल्कुल दबा के रखती है अपने बंदे को कि पप्पी यही चाहिए चौक पे राजीव चौक पे सब क्या आगे पप्पी चाहिए ये सुन के हाँ, सब क्या आगे पप्पी चाहिए बल्कि मैंने तो ये देखा है कि लड़की दुर्गति करती है लड़कों की कि तुमने मुझे क्यों पप्पी करी सबके आगे अगर मॉल में जा रहे हैं तो जो जिस कलर के कपड़े मैं पहन के आ रही हूँ तुम तो उसी कलर के पहन के आओगे लड़के चीज चीजें ट्विनिंग करने में शर्माते हैं लड़के नहीं करते कोई बाजे वाले थोड़े ही है जो मैचिंग कपड़े पहनेंगे

मैं दस में से एक बार कर लूंगा हाँ क्या मैंने बताया? मौसी ने बोला पहन ले तो तूने तो तो पहन लिया है हाँ। ऐसे हो। हाँ दस में से एक बार मैं पहन लूंगा उसको अच्छा फील होगा मुझे भी बढ़िया लगेगा रे वाह भाई बढ़िया चीज़ है भाई। आपको thumbs up मिल चुका है। आपको salute है। और सनक मिल रहे हैं फिर <laughs> क्या क्या ब्लैक पेन है <laughs> 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 क्या पेन के आना है पूछ लो पहले तूने वैसे करा कभी ऐसे की भाई ब्लू ही पेन क्या हो हाँ नहीं मैंने किया है जिनमें हमने एक बार ट्विनिंग की थी एक्चुअली हम एक ट्रिप पे गए थे जयपुर ट्रिप तो वहां से हमने एक टी शर्ट ली थी बिल्कुल सेम सेम कपल का वो स्टोर था वापस से मिलर से मिले तो वो हमने लिया था किंग क्वीन लिखा हुआ था किंग क्वीन प्रिंस टॉमिल था उस पे टॉम एंड जेरी बना था एक पे टॉम एक पे जेरी कलर सिमिलर था

ये भी है एक लड़के सरप्राइज वरप्राइज भी नहीं देते मैं कुछ मैं बहुत अच्छे से प्लान करती उसमें मैं बहुत इसमें आपका क्या मानना है सरप्राइज देने में लड़कियाँ ज्यादा सरप्राइज देती है लड़के कम देते हैं ऐसा मानते हो हाँ ऐसा तो है लॉन्डो को दरअसल ये है कि मिल ज़्यादा जाए देना कम पड़े नहीं, ऐसा नहीं है मेरे को ऐसा लगता है लौंडे हेडेक नहीं लेते कि यार क्या करूं उसे पसंद आएगा नहीं आएगा इससे अच्छा तू बता दे क्या चाहिए बोल वैसे एग्जाम्पल सारे है, कुछ लॉन्डे होते भी दिल फेंक है भाई जो बंदी ने बोला एलवी का बैग एलवी का बैग ये सरप्राइज सरप्राइज ये सरप्राइज्राइज है, है तू लड़की ने बोला एलवी का बैग एलवी का बैग आ गया गुची का बैग मतलब जो भी बोला वो आ गया एक होता है अपनी तरफ से बिना सोचे समझे एकदम से कुछ कर दिया इम नहीं होते

तो और, हाँ, और क्या फायदा है कुछ ले आओ फिर बंदी बोले ये तो मुझे पसंद नहीं है फिर दोबारा लड़कों को, को ये भी नहीं पता होता है, है उसे भले ही अगर तुम सरप्राइज नहीं दे रहे हो उसे खुश करने के लिए खुद तो खुश हो जाओ मेरे साथ हुआ है कभी वैसे की तूने कुछ दिया हो और उसने अजीब वे में रिएक्ट किया हो नहीं मतलब हाँ सरप्राइज तो यार बहुत दिए है मतलब जितने भी लोग रहे हैं सब कोई सरप्राइज दिए हैं लेकिन मिला का कभी होता है रिस्पोंड करने का अगर किसी ने कोई सरप्राइज कर दिया वो फिर एक स्मूच मार देगा ये रिएक्ट ऐसे रिएक्ट कर देगा अरे थैंक्स यार थैंक यू ये तो तू तो इमरान हाशमी की बात कर रहा है <laughs> वो किस कर देगा स्मूच <laughs> कैसे मार देगा यार <laughs> कोई <laughs> यार ये क्या बात कर रहे हो क्या हर जगह अपनी बात ही करने लग, लग जाते हो स्मूच मार देगा तब देख अब मैं अगर लड़की को ले कुछ गिफ्ट लेकर भाई ये बात हजम नहीं हुई थोड़ी यार ये मजा नहीं आया मतलब भी तुम तो अपना ही फायदा देख रहे हो यार देख मैं तो ऐसे कर दूंगा मैं किस कर दूंगा अरे यार थैंक्स यार थैंक यू सो मच ऐसे रिएक्ट कर दूंगा मैं

यार ये कितनी फनी बात है यार बंदी कुछ गई अरे यार, यार तुम यार तुम कितनी प्यारी इधर आ यार भले वो चीज पसंद ना पहले दो वो चीज पसंद ना है लड़के को बोलेंगे अच्छी लग रही है अबे मतलब बंदा रिएक्ट कर देगा ऐसा मतलब मैं कर दूंगा यार मैं ऐसे रुकूंगा नहीं अरे यार क्या सही चीज करके तुमने वो मेरे लिए कार्ड बना के लाए कुछ करा मतलब मेरे को ऐसा है। लगता है कि लड़की उस टाइम स्मूच से ज्यादा खुश नहीं होगी कि ये रिएक्शन हाँ। क्या होगा रिएक्शन हाँ। से होगी हैप्पीनेस एक्सप्रेस करने का कोई दूसरा तरीका वो हग से ज्यादा खुश हो जाएगी उस सिचुएशन में ये बात भी है अबे हग तो होएगा ही कह रहे हग तो होएगा ही पहले तुम पहले स्मूच करोगे फिर हग करोगे यार कितनी तगड़ी अच्छा बोलने से भी ज्यादा खुश हो जाएगी लड़ी अच्छा बोलने से होगी हक से भी ज्यादा अच्छा कुछ बोल तो ये तो ज्यादा ये यार होगी लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ बोल भी दूंगा <laughs> ये तो देखा मैं तुझे करते हुए मैं अबे जब मैं ओपनली कह रहा हूँ साल में मैंने थोड़ी कर रहा हूं करूँगा जब मैं कह रहा हूँ मतलब ये तो मैंने तुम्हें को बता दिया लास्ट में ये लास्ट थोड़ी तूने तो कहा सबसे पहले यही कर दूंगा सबसे पहले स्मूज बाद में सरप्राइज <laughs> उसमें बाद में जो हमने ऐड करा हाँ ये भी कार्ट में डाल रहा है अपनी कार्ट में वो वो सरप्राइज के लिए लेके आई है आपको ठीक है और सरप्राइज दिखाया भी नहीं है और मैं भी पहले फिर फोन निकल गया ओयो बुक करा ओयो चलो ओयो बुक कराते हैं चलो यार क्या हो गया एड्रेस वहां अपना डालू पेस्ट डाल ओ भाई भाई मेरे को लगता है कि वही वाली बात है जो रिलेशनशिप काउंसलर के साथ हमारी डिस्कशन हुई थी कि दोनों को एक दूसरे के ट्रेड्स नहीं पता कि लड़कियां ये नहीं समझती कि लड़के होते ही ऐसे हैं और लड़के ये नहीं समझते लड़कियां होती ही ऐसी है थोड़ी इमोशनल थोड़ी एक्सप्रेस करने वाले तो तुम किसी की पर्सनैलिटी को चेंज ही नहीं कर सकते तो तुम रैदर दैन बींग डिसपॉइंटेड उस वजह से कि वो एक्सप्रेस नहीं करता ये नहीं करता यही समझ जाओ कि वो है ही ऐसे अगर स्टार्टिंग में जो वो वो करता कर उस कर उसमें खुश हो जाओ क्या स्टार्टिंग में अगर वो एक्सप्रेस कर रहा है बहुत ज्यादा फिर बाद में नहीं कर यार वो कुछ चीजें कॉमन रहेगी वो दोस्तों वही बात हुई ना दोस्तों को नहीं पता लगने देगा मैं इसके लिए इतने एफर्ट्स

अकॉर्डिंग टू हिम मेरा मेरा बढ़ेगा अगर उसका घटेगा तो मेरा तो बढ़ता रहेगा यार वही वाली बात है, कि का काम हो जाता है। की लाइफ में ना बहुत चीजें होती हैं लड़कियां अगर रिलेशनशिप में खुश हैं तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता उनका काम कैसा है उनकी फैमिली कैसी है उनका जैसे आपके केस में था कि अगर मेरे को पार्टनर अच्छा मिला है मुझे बाकी चीज़ों से नहीं फर्क पड़ता लड़कों में ये है अगर मेरा काम अच्छा नहीं है मेरे पास पैसा नहीं आ रहा या और मतलब मैं अपनी दिल की चीज नहीं कर पा रहा तो उनका रिलेशनशिप भी अफेक्ट होता है क्योंकि लड़कों को एट द एंड ऑफ द डे फैमिली स्टेबल करने के लिए दे हैव टू टेक अ लीड तो उनका ध्यान थोड़ा काम की तरफ ज्यादा होता है तो जब उन्हें ये होता है ना कि एक अच्छा रिलेशनशिप मिल गया मुझे तो स्टार्टिंग में एफर्ट्स करके जब वो मिल गया तो इवेंचुअली वो और जगह फोकस करते हैं कि अब इस बंदी को आगे भी तो ग्रो करना है इस रिलेशनशिप के को आगे भी तो ग्रो करना है तो वो और मेहनत दूसरी जगह करने लगता है जिसकी वजह से रिलेशनशिप टेक्स अ बैक सीट और वैसे भी अगर एफर्ट्स डालने की बात है बंदा जो बंदी पटाने के लिए एफर्ट्स डालता है ना तो वो पर्सनली उन तो दोनों के बीच में रहते हैं एफर्ट्स अब मुद्दा तो यहाँ पे बात तो हम इस टॉपिक पे कर रहे हैं ना कि पब्लिकली वो इमोशंस दिखाता है कि नहीं दिखाता तो यहाँ पर अभी तो बात अभी भी प्राइवेट में ही रही ना बंदा उसको प्राइवेटली पटा रहा है बातें कर रहा है फोन पे बातें कर रहा है सो इट इज बिटवीन बोथ ऑफ देम ओनली लड़के तब ज्यादा दिखा देंगे जैसे शादी हो गई होने हो गई या फिर होने तब वाली भी नहीं, है। नहीं करेंगे भाई। उस टाइम पे तो तो कर देते हैं लड़के जैसे हम देखते हैं सोशल मीडिया पे कि लोग प, लड़के प्रपोज कर रहे भाई वो करते हैं साल में एक आधी बार वो तो किस्मत हाँ, वाले बात ओकेजन पे जैसे शादी हो गई लड़कियों को लड़कियां बीच बीच में भी कुछ सरप्राइज कर दिया ऐसे प्रपोज तो फिर मैंने भी कर रखा है दरअसल लॉन्डो के पास ज्यादा काम है लड़कियों के पास एक ही काम है रिलेशनशिप नहीं ऐसा नहीं है रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है तो उन्हें बाकी काम पे फर्क कम पड़ता है और लड़कों पे यह है कि काम अच्छा चल रहा है तो बाकी चीज़ें फिर अपने आप सॉल्ट कर लेते हैं वो लड़कों का ये रहता है देख मैं इससे दिल से तो प्यार करता ही हूँ यार अब मैं ये करूंगा लुल्लू लु पुचू भी मतलब कि सरप्राइज वाइज इससे कुछ खास फर्क पड़ने नहीं जब मैं करता हूं तो करता हूं मतलब ऐसा होता है ना कि लड़के जो है वो पूरे टाइम काम करते हैं सेविंग्स करते हैं कि इसको कहीं बाहर लेकर जाऊंगा साल में जो एक ट्रिप होगी वो तगड़ी होगी लड़कियों को चाहिए कि मुझे वो ट्रिप नहीं चाहिए मुझे तुम तो छोटे छोटे सरप्राइजेस दे दो छोटे छोटे बातें भी दिखा दो छोटी छोटी चीज कुछ कर दो रोज ले आओ एक आते में वो छोटी 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 चीज़ों में खुश हो जाती है लड़के प्लान करते हैं बड़ा कि मैं उसके लिए घर लूंगा उसके लिए गाड़ी लूंगा मेहनत करूंगा लड़कियां होती हैं थोड़ी इमोशनल कि यार इतना नहीं चाहिए जिन लड़कों की आप बात कर रहे हो ना वो बहुत कम लड़के हैं बहुत यार, ही कम। यार तो अपने जैसो की बात ज्यादातर मेहनत कर रहे हैं यहाँ बैठ के जिनके बारे में बात कर रहे हैं ना तो हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बात कर रहे हैं ठीक है यार अब तुम्हें टकरे ऐसे तो हम क्या कर सकते हैं टकरे ऐसे जो मतलब चीजों से भागते हैं

जो लड़का लड़की के लिए एफर्ट्स नहीं कर रहा लड़की सोचती है कि बीच बीच में भी कुछ ना कुछ तो होता है हाँ। क्या हो गया तब तो तब की देखी जाएगी आज तो क्या है आज एक रोज ले आता आज मुझे डेट पे ले जा हाँ, मतलब तो वो हमें अच्छी लगती है ये देख नहीं नहीं मैं तो दिसंबर में स्विट्जरलैंड जाऊंगी मेरे साथ तो है ऐसा अरे अच्छा वैसे अभी हम सिंगल बैठे हैं सारे इसलिए हमें लग रहा है जब बन जाएगी जब शादी हो जाएगी हो सकता है हम भी कर ही ले मतलब इतना इतना ज्यादा नहीं करें जितना लड़की करेगी हमारे लिए लेकिन क्या बात है हम भी कर ले कुछ कह नहीं सकते अच्छा लगेगा तो बंदा करेगा तो रेशो कम नेचर, नेचर है, 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 तो। है, है लड़का ज्यादा करता हूँ लड़का मतलब ऐसा कि अगर लड़का लड़की दोनों मेरे दोस्त हैं लेकिन लड़का मेरा ज्यादा अच्छा दोस्त है तो मेरे को कहीं ना कहीं उसी के एफर्ट ज्यादा दिखते थे मेरे बेस्ट फ्रेंड के, के उसी एफर्ट्स में ज़्यादा दिखते थे, पर वही है। ब्रेकअप हो नहीं करनी चाहिए यार लड़के भी बहुत होते हैं जो ओवर फीडिंग करते हैं हाँ, है भाई भाई वही जैसे ये कह रही है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ओवर फीड कर दिया स्टार्टिंग, स्टार्टिंग में शुरू में ये करते थे वो करते थे और ये भी होता है कि करते करते चीटिंग कर दिया लड़की ने लड़का कर रहा है। लड़की ने चीट नहीं कर दिया लड़की, लड़की कर लड़के लड़के ने चीट कर दिया ऐसा भी होता है कि मेरा ओवर फीडिंग हो रही है अब जितना जरूरी है उतना ही तो करोगे मैं बता रही ना मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है उसकी गर्फ मतलब तीन साल से वो रिलेशनशिप में था एंड अभी वो पता है मतलब बहुत ही गंदे ट्रॉमा से निकल रहा है अपने ब्रेकअप की वजह से उसने अपनी बंदी के लिए सब कुछ किया ठीक है सब कुछ किया उसकी बंदी फैशन डिज़ाइनर थी है आई मीन एंड उसने सब कुछ किया उसके लिए मतलब उसके काम में सपोर्ट किया उसकी फैमिली में सबको सपोर्ट किया हर चीज़ के लिए किसी मतलब उसके कॉन्टैक्ट्स काफ़ी अच्छे अच्छे हैं तो उसकी फैमिली ने उसका बहुत यूज़ किया इन सब चीज़ों में कि हाँ किसी का एडमिशन करवाना है किसी का कुछ करवाना है लेकिन यार बंदे ने अपनी बंदी के बारे में सोच के ही मतलब थोड़ा तू अपनी हेल्थ पे ध्यान दे ये वो वो चल मैं तुझे जिम ज्वाइन करा देता हूँ उसको जिम ज्वाइन करवाया और वो बंदी जिम गई है मतलब वो उसकी फीस भर रहा है साल की फीस उसकी उसकी बहन की जिम जाके भाई जिम के ट्रेनर को उसने पटा लिया उसके साथ फिजिकल हो गई एंड उसे सब कुछ पता चल गया बंदे को मतलब बंदी भी ले रही है और बहन अलग मजे ले रही है अबे थ्री सम थोड़े ही हो नहीं मतलब मैं, मैं कह रहा हूँ बहन की भी तो फीस दे रहा है ना वो अच्छा <laughs> अबे बहन की, की भी तो फीस दे रहा वो ही ना वो ही वो लड़की ने उसे चीट कर दिया वो आज तक उस चीज से नहीं निकल पा रहा लेकिन हाँ वो इस चीज पे अभी तक स्टिक है कि चाहे मैं मर जाऊँ रो रो के मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा हाँ क्यों करेगा करना, करना भी नहीं चाहिए ट्राई करती है वो लड़की बात करने की करेगी चीज़ करती है। आप होएगा तो करेगी टू थ्री मंथ्स बाद अगर आपसे कोई वापस करके बात कर रहा है फिर तो, तो, तो क्या एक्सेप्ट करना चाहिए रिलेशन में यही चीज होती है समझ में नहीं आ रहा ना वो चीट कर रहा है क्या कर रहा है मतलब आज लड़ाई हुई तीन महीने तक गायब फिर वापस आ रहा है तो वो चीट करके आया है कोई शक ही नहीं है इसमें अरे तीन महीने क्या होता है तीन दिन तक तुम्हारे बंदे ने तुमसे बात नहीं करी तुम्हारी बंदे ने तुमसे बात नहीं करी तीन exactly. दिन तक नो रीजन तो फिर मार्ग आ रही है जेनविन किसी बिजनेस के लिए गया है Businessy. मेरे साथ हुआ है ना तभी मैं ऐसा कर भी तो हो सकता है जो तो बंदी को तो पता होगा ना बिजनेस मीटिंग में गया। वो ये थोड़ी सोचेगी मेकअप कर गए गोश्त कर गया साले भाई उसमें भी तो बंदी है, सोच सकती है किसी और के साथ मजे ले रहा होगा ये सब भी तो सोचती है लड़ाई करने की बात फाइट की बात कर रही हूँ मैं की फाइट हो गई फिर दो तीन महीने गायब

पर तब भी उन्हें वही चाहिए जो चोया काट के गए हैं उनका राइट right. अगर वो दो-तीन महीने बाद वापस आ रहा है तो मतलब जहां वो मुंह मारता वो कहीं और मुंह मार रही है अब तो तुम्हारे पास वापस आ रहा है एग्जैक्टली exactly. अब ऐसा भी होता है कि यार एक सेफ ऑप्शन तो चाहिए मुंह मारने वाले नए पकड़ लेंगे अब पता नहीं लड़कों को ये क्या चीज चाहिए होती है अच्छा खासा रिलेशनशिप चल रहा है यार हमको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए ब्रेक ब्रेक ही चाहिए ब्रेकअप नहीं करना उनको ब्रेक चाहिए उनको वो वो है। है वो कोई 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 और और ब्रेक 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 है है ये थोड़ी है कि चौथा चलो ब्रेक हो जाए। अब खाएंगे। चलो यार अब इस पॉडकास्ट को खत, करते हैं खत्म तो मिलते हैं आपसे नए आप, नहीं। आप भी अपने थोड़े कर दो यार जो भी आपके व्यूज हैं आप क्या सोचते हो लिखो लड़के कैसे होते हैं लड़कियां कैसे होती हैं आप करो और आपके कोई एक्सपीरियंसेस हैं जैसे बहुत सारे कमेंट्स हम खुद पढ़ते हैं लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं उनके साथ क्या हुआ था तो हम ज़रूर सारे कमेंट्स पढ़ते हैं अपने अपने किस्से स्टोरीज़ भी आप कमेंट में आ, कर सकते हो बता सकते हो हम हमें अच्छा लगा तो हम रिप्लाई भी करेंगे और पिन भी कर सकते हैं आपका कमेंट तो जाओ और आ, मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट में दोनों लड़कियों के इंस्टाग्राम्स हमारे डिस्क्रिप्शन में है आप रीच आउट कर सकते हो फॉलो कर सकते हो मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट में टिल देन बाय बाय लव यू गाइस